वेल well तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रोफ़ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिन टली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ़ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीज़र आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेसन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें

टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 56 परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज़्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिन टली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीज़र आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज एवरेजी और सेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें 3.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है, एंड इसी है रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फ़िफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हां ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफ़िनेट आप लोगों को काफ़ी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एल्ली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो

टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज़्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिनेट आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड यह चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस, इस, इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज एवरेजी और सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो 3.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb है। जो काफी अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हां ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जनरल देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए आ, यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली वेल well, तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिनेट आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एल् एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो थ्री पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की IMDB रेटिंग है। जो काफी अच्छी खासी बी रेटिंग है एंडीसी इसी एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हां ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं। जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रोफ़ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिनेट आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज हो चुकी यह मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो हज़ार तेईस में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डीसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो 3.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है, इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हां ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं। जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफ़िनेट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ़ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीज़र आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सैनन और एल् एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेसन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो 3.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंडी इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें ये दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई, आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल well तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीकवेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रोफ़ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिन टली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीज़र आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सैनन और एलि एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेसन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेसन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें 3.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है और इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फ़िफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें ये दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हां ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिनेट आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गणपत तो के बारे में साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेसन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें 3.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है, बी रेटिंग है रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फ़िफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें ये दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हां ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिनेट आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज हो चुकी यह मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेसन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें 3.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एनडीसी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फ़िफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ, ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिनेट आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गणपत के, के बारे में साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है तो आप डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो 3.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंडीसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फ़िफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है, है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हां ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफ़िनेट आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एल्ली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम रेटिंग की ही बात करें तो 3.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है, बी रेटिंग है रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के, के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि यह बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जनरल देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रोफ़ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफ़िनेट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ़ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीज़र आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एल एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो 3.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है। जो काफी अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें ये दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ ठीक-ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी क्या आई थिंक इतना तो बनता है भाई हां ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल لازمی है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफ़िनेट लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ़ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीज़र आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एल् एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डीसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो थ्री पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की IMDB रेटिंग है, जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है IMDB रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 56 परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हां ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रोफ़ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिनेट आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेसन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डीसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो 3.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं। जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिनेट आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सैनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेसन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डीसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें

टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज़्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जनरल देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं। जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई, आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल well, तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिनेट आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी इतनी है कि आइए बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम ड्यूरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक like भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम रेटिंग की ही बात करें तो पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है, बी रेटिंग है रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फ़िफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें ये दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ, ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं। जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिनेट आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एल् एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम ड्यूरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें

टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 56 परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीज़र की हद तक हमें ये दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हां ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जनरल देखने को मिलता है जो कि ठीक सी और डिसेंट सी मूवी क्या आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम, वन टाइम वन वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल well, तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिन टली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी इतनी है कि आइए बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें 3.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एनडीसी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज़्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी क्या आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिनेट ले आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज हो चुकी यह मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एल् एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें 3.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंडीसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हां ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सिक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रोफ़ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफ़िनेट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीज़र आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन इतनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेजी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम रेटिंग की ही बात करें तो थ्री पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंडीसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीज़र की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज़्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी क्या आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सिक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफ़िनेट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ़ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीज़र आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एल्ली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो 3.2 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है। जो काफी अच्छी खासी बी रेटिंग है एंडिसी इसी एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 56 परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें ये दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ ठीक-ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जेनर देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डीसेंट सी मूवी क्या आई थिंक इतना तो बनता है भाई हां ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल لازمی है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली वेल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सिक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रोफ़ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफिनेट आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहां पर मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीजर आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा... देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के और तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डीसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो थ्री पॉइंट टू आउट ऑफ टेन इस मूवी की IMDB रेटिंग है, जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जनरल देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी ये मूवी होने वाली है। वल तो जी वैसे तो टाइगर श्रॉफ को आजकल के दौर में ऐसा कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या लड़की या लड़का नहीं है जो कि नहीं जानता अगर आप लोग भी उनको जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों ने फिर उनकी मूवीज़ भी देख रखी होंगी उनकी सीरीज़ देख रखी होंगी और आप लोगों ने उनके एक्शन सीक्वेंस से इंस्पायर होकर काफ़ी सारी चीज़ें भी की होंगी तो अगर आप लोग भी टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ वो डेफ़िनेट लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग सकती है जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ़ की एक ऐसी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका जब टीज़र आया तो हमें दिखाया कुछ गया और बोला उसके अंदर जो हमें देखा देखने को मिला जो मूवी के अंदर वो कुछ था मींस हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणपत के बारे में साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी ये मूवी किस तरह की बनाई गई है तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गणपत के बारे में तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि है जी कास्टिंग का हम सबसे पहले कास्टिंग पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इस मूवी के साथ काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं कास्टिंग के लिए रिलेटेड भी डायरेक्शन के रिलेटेड भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं तो कास्टिंग की अगर हम बात करें तो कास्टिंग में आप लोगों को टाइगर श्रॉफ़ अमिताभ बच्चन कृति सेनन और एली एवराम आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन होनी चाहिए तो टाइम डोरेशन तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेसन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफ़िनेटली डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को आई रेटिंग क्या मिली है इस मूवी को आई रेटिंग कितने दी गई है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक भी किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें

टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तक गूगल के यूज़र्स की जानिब से लाइक किया गया अभी हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि इस मूवी की जो है वो यहाँ पर आप लोगों को जेनर में क्या देखने को मिलता है क्या एक्शन है ड्रामा है रोमांस है क्या है क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों को एक्शन एंड थ्रिल देखने को मिलेगा टीजर की हद तक हमें यह दिखाया गया था कि ये बहुत ज़्यादा साईफाई भी होने वाली है बट हाँ ठीक ठाक सी साईफाई भी इसमें आप लोगों को जनरल देखने को मिलता है जो कि एक ठीक सी और डिसेंट सी मूवी का आई थिंक इतना तो बनता है भाई हाँ ठीक है एक टाइम वन टाइम वॉचेबल लाजमी है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आए यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है जी विकास बहल ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ भाई इन्होंने पास्ट में सुपर थर्टी गुड बाय गणपत उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने शैतान भी दी है उसी के साथ साथ शानदार क्वीन चिल्लर पार्टी इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं। जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं एंड आई थिंक हाँ भाई आप लोगों को एक चांस भी देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी आप लोगों को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही देखने को मिली थी ये प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलने वाली है जी नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर जल्द ही अवेलेबल कर दी जाएगी प्योर हिंदी जुबान में तो आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी होने वाली है।